इंडिया इस समय एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ सबके अनुमान से ज्यादा रही है। इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। दुनिया भर की इकोनॉमीज या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही हैं और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। और आखिर क्या वजह है कि चाइना हो, जापान हो, यूके हो, इवन यूएस हो, उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरीके से इंडिया। साथ ही IMF ने जो बताया है के दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है। अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी खत्म हो गई है, औकात पे आ जाइए। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है। एक कंपनी हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे तो उनकी इकोनॉमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। Q3 GDP की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित बाहर है। आज हम बात करेंगे Q3 GDP की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी, यहाँ पर 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदलने वाला है, आवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5-6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ा है जी इंडिया। क्या वजूहत है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहत है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े हैं। आवाम की तरफ चलते हैं, महंगाई का दौर है, आवाम बेचारी बिलों से मजबूर है, बेरोजगारी की सताई हुई है, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज़्यादा मुश्किल है, करोड़ को ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो इजी हैं, वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीव दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीव देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे, अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं, उधर चलाने वाले जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सनसेर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को, सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफर है, काफर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़े अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्ला माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और के साथ लोगों, अच्छा को, लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, लेकिन हमें चलाने वाले बंदे नहीं ठीक मिले, समझ आई? इंडिया ग्रोथ, इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है, उनके पास
उनके पास फैसिलिटियां क्यों है, उनकी हुकूमत दे रही है, उनके पास तालीम भी तो तालीम है। देखें आप एक चीज का हिसाब लगाएं, मैंने ये चीज अक्सर नोट की है और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे कि उनका रेड़ी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है, इंडिया में अच्छा। इंग्लिश की रेड़ी लगाने वाला, फल की रेड़ी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर लियो ना माशाल्लाह, उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से BA है, MA है, MA MEd है, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेड़ी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेड़ी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं स्कूल में डाले हुए हैं, आप यकीन करेंगे हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल, ये वो बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है। उनके पास उन्होंने तालीम आम की है, उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट की तरह, उनके प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की तरह है, लेकिन ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं, और हमारे पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड सिलेबस वही पढ़ सकते हैं जो बच्चे की 70,000 से 80,000 रुपए मंथली फीस दे सकता। जहाँ पे एक तरफ ग्रामर स्कूलों का अंबार है, वहाँ पर अमीर के लोग जाते हैं और गरीब के बच्चे टाट पे पढ़ते हैं, वो आज भी प्यासा कौवा था, कुत्ता भूखा था और अंगूर खट्टे थे, वही इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद यही है ना, इसका मकसद ये है ना कि हम जानवर हैं, अवाम जाहिल रहे, अवाम को शऊर ना है। भाई ये बताएं, ओ जी तोशाखाना केस, ओ जी फलाना केस, ओ जी टमकाना, ओ हमें केसों से नहीं कुछ लेना देना, हमें खाना चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें वो नहीं मिल रही, हमें उनके वो नहीं है कि फलाना चोर है या फलाना चोर है। कल आप जिस तरह हम देख रहे थे भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहत समय मैं बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं, और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात के थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है, और साथ ही IMF ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, US 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, UK 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0.0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह वो हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है, और दूसरा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम, तो लेकिन उन्होंने जिस तरह मैंने बताया था म्यूनिख में, उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए, भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकॉनमी के जब तक आपकी इकॉनमी ठीक ना हो आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती है।